संडे की सबसे बड़ी स्टोरी 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, जिसको लेकर 2021 में ही सियासत गरमाई हुई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज, फिर ओवैसी के चैलेंज को योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकार किया जाना, और इसके बाद आज पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बी टीम, हिंदू मुस्लिम, जात पात, वोट कटवा जैसे मुद्दों का उछलना, और अब तो ईवीएम का जिन भी बाहर आ चुका है। तो बड़ा सवाल यही, क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होगी यूपी की लड़ाई? सियासत फुल और जनता के मुद्दे अभी से गुल हो गए। यूपी के 5 पॉलिटिकल कार्ड में सबसे बड़े कार्ड यानी बी टीम कौन की चर्चा करने से पहले आपको ओवैसी की हुंकार और उस हुंकार पर योगी की ललकार सुनाते हैं। ओवैसी का चैलेंज सीएम योगी को स्वीकार है। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी जी देश के बड़े नेता है, अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। यूपी में ओवैसी वर्सेस योगी की ये सीधी लड़ाई बाकी के विरोधी दलों को ऐसी चुभी कि फिर इन्हीं बयानों के बाद बी टीम का मुद्दा भी उछला। ये कार्ड उछाला कांग्रेस पार्टी ने और इशारों में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। ओवैसी जी के तो अपने लोगों ने भी जाकर वोट इनको दे दिया था, कल मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी को, तो ये आपस की जुगलबंदी इनकी चलती रहती है। अरे भैया, वो कांग्रेस पार्टी पे मेहरबानी करें, बीजेपी पे मेहरबानी की जरूरत नहीं है उनकी। इसलिए इस तरह की जो फिजूल की बातें का कोई अर्थ नहीं। अब सवाल उठता है कि ओवैसी किस पार्टी के लिए बी टीम का काम कर सकते हैं और एआईएमआईएम के यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने से किस पार्टी को नुकसान होगा? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको सबसे पहले ओवैसी का सियासी गेम जानना होगा। यूपी में 18% मुस्लिम है, 10% यादव है। इसे MY फैक्टर कहा जाता है, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, और ये वोटर समाजवादी पार्टी से सीधे जुड़ा है। लेकिन ओवैसी को लगता है कि वो इस MY फैक्टर में सेंध लगा पाएंगे, और इसके लिए ओवैसी ने रणनीति ये बनाई कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, 10 छोटे दलों संग मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, यानी ओवैसी और राजभर की नजर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट बैंक पर है। और अगर इस गठबंधन का चुनाव में थोड़ा बहुत भी असर हुआ तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को और कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ सकता है। वैसे कांग्रेस ने सिर्फ ओवैसी को ही बीजेपी की बी टीम नहीं बताया, बल्कि BSP को भी बीजेपी की बी टीम कह दिया, और इस आरोप पर BSP सुप्रीमो मायावती ने जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि BSP में बी का मतलब बीजेपी है, तो जवाब में मायावती ने कहा कांग्रेस में सी का मतलब कनिंग यानी धूर्त है। कांग्रेस ने कहा कि BSP ने जिला पंचायत चुनाव का बहिष्कार करके बीजेपी को आसानी से जीतने दिया, तो मायावती ने जवाब में कहा कि बहुजनों को गुलाम रखने वाली कांग्रेस यूपी में ऑक्सीजन पर है। यानी अभी से एक दूसरे के बीच वार पलटवार जबरदस्त है, और खास बात यह है कि बी टीम कौन की इस लड़ाई में यूपी की जनता से जुड़े बड़े मुद्दे अभी से ही हाशिए पर चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी से जनता के मुद्दे हाशिए पर आ गए हैं और दूसरे मुद्दे हावी हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी अभी से हिंदू मुस्लिम कार्ड चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। अब ये सब बातें आपको समझनी होंगी कि कौन से मुद्दे हैं जिन्हें तूल दिया जा रहा है और कौन से मुद्दे बैकबर्नर पर चले गए हैं। जनता के लिहाज से बात की जाए तो जनता चाहती है कि महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, लेकिन ओवैसी क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 19% आबादी है। जनता चाहती है कि सड़क, बिजली, पानी और कोरोना पर बात हो, लेकिन ओवैसी क्या कह रहे हैं कि एक भी मुसलमान जिला अध्यक्ष नहीं है। जनता चाहती है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे ना उठे, वहीं ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। तो आप समझ लीजिए जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और किन मुद्दों पर नेता बात कर रहे हैं। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी, दो दिन से
रफाल फाइटर जेट पर गरमाई सियासत से जुड़ी है। फ्रांस में रफाल डील की जांच होगी और ये खबर कांग्रेस को सियासी संजीवनी की तरह लग रही है। कांग्रेस ने दूसरे दिन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए वो आपको बताते हैं। कार्टून के जरिए तंज किया गया और उससे एक और बात सामने आई कि कांग्रेस ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। समझने वाली बात यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने दशकों तक इस देश में शासन किया है, राज किया है, और अब पार्टी प्रधानमंत्री मोदी से खींच निकालने के चक्कर में भूल चुकी है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं और इस पद की गरिमा क्या होती है। राहुल जी, आपने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, आपने एक बार फिर सीमा लांघ दी। चौकीदार शब्द पर माफी मांगने के बाद भी आप नहीं संभले, इस बार रफाल मुद्दे को लेकर इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट कर दिया। हम देश की जनता को बता दें कि जी न्यूज प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखता है और इसीलिए हम आपको वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई प्रधानमंत्री की ये तस्वीर पूरी नहीं दिखाएंगे, लेकिन जितना हिस्सा भी दिखाएंगे उससे आपको इस बात का अंदाजा जरूर हो जाएगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए किस तरह से मर्यादा की सीमा लांघ गए। जिस प्रकार की तस्वीर को उन्होंने डाला है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो भारत की राजनीतिक मर्यादा का एक अपवाद स्वरूप घटना है। और जो राजनीतिक विकृति 10 जनपद इस देश को योगदान के रूप में दे रही है उसका एक नमूना है। राहुल गांधी को अब मैं एक विदेशज राजनीति का हिस्सा मानता हूँ, वो देशज हो ही नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को रफाल मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और रविवार को इंस्टाग्राम पर यह विवादित तस्वीर पोस्ट की, जिस पर कांग्रेस को कोई मलाल नहीं है, उल्टे पार्टी ने राहुल गांधी की इस हरकत को अपना समर्थन दे दिया। देश को जो लग रहा है मैं वो सामने आपके ला रहा हूँ, पहले उसका जवाब दिलवाइए कि हजारों करोड़ का नुकसान इस देश को क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, किसके इशारे पे हुआ, वह भी तो एक व्यक्ति है, उसी व्यक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो व्यक्ति हिम्मत क्यों नहीं दिखाता है इन सवालों के जवाब देने। कांग्रेस पार्टी ने इसी के साथ कुछ मांगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी। हम उन मांगों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 2021 में उठा रफाल का ये पूरा मुद्दा समझिए। 2018 में फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने भारत के साथ रफाल डील की जांच की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने फ्रांस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के बाद फ्रांस में रफाल डील में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई। फ्रेंच मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच शुरू की। इसके बाद बहुत हद तक संभव है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पूर्व उपराष्ट्रपति ओलांद से भी डील को लेकर पूछताछ हो। बस फ्रांस से आई इसी खबर के बाद कांग्रेस पार्टी यहां मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने रफाल डील की जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि रफाल डील पर फ्रांस में जांच तो भारत में क्यों नहीं। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल है। सवाल यह है कि जब सीएजी रफाल डील को क्लीन चिट दे चुका है और देश की सर्वोच्च अदालत भी कह चुकी है कि रफाल डील प्रक्रिया पर संदेह का कोई आधार नहीं है, डील में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और इस डील से देश को लाभ है, तो फिर कांग्रेस को सीएजी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट फैसला दिया था कि ना इसके फैसले में कहीं गड़बड़ है, ना इसकी प्राइसिंग में गड़बड़ है, और बाद में ये जाकर माफ़ी भी मांग कर रहे थे। इसलिए ये जो मर्जी कहते रहे, इनके पास कोई तथ्य हो, कोई 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 सबूत हो तो उसको पेश करें। प्रधानमंत्री पर कांग्रेस पार्टी के इन बेबुनियाद हमलों से एक बात ये भी साफ है कि रफाल में भ्रष्टाचार भले ही ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसी बहाने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का मौका जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी उस आतंकी साजिश से जुड़ी है जिसके बारे में आपने पहले ना कभी सुना होगा ना जाना होगा। क्या आप ये मान सकते हैं कि कागज का एक टुकड़ा, जी हां, कागज का एक टुकड़ा भी कभी धमाके का कारण बन सकता है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से आए एक पार्सल बम में धमाके के बाद अब जो खुलासा हुआ है वो इसी ओर इशारा कर रहा है।
17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल कोच से आए कपड़ों के एक बंडल में धमाका हुआ था। धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन साजिश उससे कहीं अधिक बड़ी थी। जिस काले शीशी को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद बरामद किया गया था, उस शीशी सैकड़ों लोगों की जान ले सकती थी, लेकिन आतंकवादियों की चूक की वजह से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। न तो तय समय पर और न ही तय जगह पर ब्लास्ट हो सका, बल्कि ब्लास्ट भी उतना घातक नहीं बन पाया। 17 जून को दोपहर 3:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ था वो बहुत खतरनाक हो सकता था अगर आतंकियों से एक गलती न हुई होती। आतंकियों ने शीशी में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल भर रखा था। बोतल के अंदर इन दोनों ही एसिड के बीच में कागज की एक परत लगाई गई थी। एसिड के कारण कागज जल जाता और दोनों केमिकल का आपस में रिएक्शन होता और फिर बड़ा धमाका हो जाता। लेकिन आतंकियों से गलती ये हो गई थी कि उन्होंने पतली परत वाले कागज की जगह कागज की मोटी परत लगा दी थी, जिसकी वजह से कागज सही समय पर जल नहीं पाया और आतंकियों के तय किए वक्त पर ब्लास्ट नहीं हो सका। काजीपेट की जगह दरभंगा में हो गया ब्लास्ट। आतंकवादियों की मंशा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके की नहीं थी, बल्कि उनका मकसद था तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन पर धमाका हो जाए, और धमाका उस वक्त हो जब रेल में ज्यादातर यात्री रात होने की वजह से गहरी नींद में सो रहे हों। दरअसल सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन 15 जून की रात 10:40 पर सिकंदराबाद से रवाना हुई थी। ट्रेन का पहला स्टॉपेज 132 किलोमीटर दूर काजीपेट जंक्शन था। काजीपेट जंक्शन पर ट्रेन रात 12:38 पर पहुंची। इस वक्त ट्रेन के यात्री सो रहे थे। आतंकवादी चाहते थे कि रात के वक्त चलती ट्रेन में ही ब्लास्ट हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानमाल का नुकसान हो। लेकिन गनीमत रही कि कपड़े के बंडल में रखे केमिकल में रिएक्शन नहीं हो पाया। ब्लास्ट हुआ 17 जून को जब ट्रेन अपनी मंजिल दरभंगा तक पहुंच गई और ट्रेन से सारे यात्री उतर गए। कपड़े के पार्सल बम में रखने का काम नासिर और इमरान ने किया था। दोनों आपस में सगे भाई हैं और हैदराबाद में रहकर कपड़े का काम करते थे। एनआईए का दावा है कि नासिर ने ही पाकिस्तान जाकर साधारण केमिकल से आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली थी। एनआईए के मुताबिक आतंकियों ने दो अलग अलग केमिकल को मिक्स करके विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग लश्कर ए तोयबा से ली थी। हैदराबाद से गिरफ्तार किराना का रहने वाला नासिर साल 2012 में पाकिस्तान गया था, तभी उसने लश्कर ए तोयबा के ट्रेनिंग कैंप में जाकर केमिकल मिलाकर आईडी बनाना सीखा था। पाकिस्तान में लश्कर ए तोयबा के आतंकी कैंपों में बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी ट्रेनिंग कैंप में साधारण केमिकल के जरिए घातक बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दिल्ली से नीरज गौड़ और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की चौथी बड़ी स्टोरी, आज की सबसे अच्छी तस्वीर। 2 साल की एक मासूम से दिल को छू जाने वाली ये खबर जुड़ी हुई है। 2 साल की मासूम जिसने अपनी मां की जान बचाई, 2 साल की मासूम जिसने 6 महीने के अपने छोटे भाई का जीवन बचाया। आज उसकी इस कोशिश को मुरादाबाद की रेलवे पुलिस सलाम कर रही है। यूपी की इस मासूम बिटिया की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों को नापते नन्हे कदमों को देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे आगे ये मासूम और पीछे पीछे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम। जब 2 साल की ये नन्ही बच्ची इन ऊंची सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते थक गई, तो फिर महिला सिपाही का हाथ पकड़ा और इसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगी, आगे उस जगह की ओर जहां उसकी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। हम मुरादाबाद से आई दिल छू लेने वाली ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस खबर का मार्मिक पहलू भी बताएंगे। उससे पहले इस तस्वीर का ये हिस्सा आप ध्यान से देखिए। माँ जमीन पर बेसुध पड़ी है, उसके पैरों की तरफ एक और मासूम लेटा हुआ है, 6 माह का वो मासूम जिसे इस बात का एहसास तक नहीं कि उसकी माँ बेहोश हो गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक महिला सिपाही फौरन इस महिला की ऐसी हालत को देखकर पानी का इंतजाम करती है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक महिला सिपाही फौरन इस महिला की ऐसी हालत को देखकर पानी का इंतजाम करती है, चेहरे पर पानी के छींटे डालने लगती है। वो महिला के कंधों को हिलाकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं होती। फिर पास में खड़ी एक और महिला सिपाही माँ के चेहरे पर दोबारा पानी डालने की कोशिश करती है। इसके अगले ही पल 6 माह का बेटा माँ के आंचल से लिपटा दिखाई देता है। वो जोर जोर से रोता है, लेकिन माँ को तब भी होश नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर जीआरपी वाले इकट्ठे हो जाते हैं। वो सभी आपस में कुछ बातें करते हैं। इस बीच 2 साल की वही नन्ही बिटिया इन पुलिस वालों को टकटकी लगाए बस देखती रहती है। इसके बाद स्ट्रेचर मंगाया जाता है और माँ के साथ साथ पूरे परिवार को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब पूरी खबर सुनिए। आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट के मुताबिक 3 तारीख को 2 साल की यह बोध बच्ची आरपीएफ की महिला सिपाही के पास आई। वो उससे बोल तो कुछ नहीं पाई, लेकिन महिला सिपाही को अपने साथ खींचकर रेलवे के फुटओवर ब्रिज पर ले गई, जहां उसकी माँ बेहोश पड़ी थी और 6 महीने के भाई का जीवन भी संकट में था। बच्चा केवल इशारे से बता पा रहा था, बाकी उसके द्वारा कोई बोला या वैसा नहीं किया जा रहा था, बट वो सीधा अपनी माँ के पास चलता हुआ चला गया, जिसके कारण उसकी माँ को एडमिट कराया जा सका। ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई थी, अभी इन बातों की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो अनूठी है, जो बताती है एक माँ का अपने बच्चे से रिश्ता कितना अनमोल होता है। और 2 साल की ये मासूम ठीक से बोल भले ही ना पाए, लेकिन माँ की जिंदगी पर आई मुसीबतों को समझती जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल को छू जाने वाली इस रिपोर्ट के बाद आपको हम फिलीपींस की बड़ी घटना के बारे में बताते हैं। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत में सैन्य बलों को ले जा रहे वायुसेना के C-130 विमान के उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। विमान में 3 चालकों और चालक दल के 5 सदस्यों समेत 96 लोग सवार थे। हादसे का शिकार हुआ लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस। फिलीपींस को सैन्य सहायता के रूप में साल सौंपे गए अमेरिकी वायुसेना के 2 विमानों में से एक था। विमान रविवार को दोपहर 12 बजे से ठीक पहले उतरते समय सुलू प्रांत में एक गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने प्लेन पर दुश्मनों के हमले की संभावना से इनकार कर दिया है। संडे की बड़ी स्टोरी में चलते चलते टाइगर हिल की विजयगाथा सुनाने का वक्त आ गया है। 4 जुलाई 1999 को आज ही के दिन भारतीय सेना के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की थी। सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ी टाइगर हिल की इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय का नाम दिया था। कंपनीज सक्सेस की नलवाज ये दिल मांगे मोर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.